लाइट में लाइट बंद होते ही शख्स ने की गंदी हरकत, कपड़ों पर पेशाब कर बेखौफ खड़ा रहा शख्स। बिग बॉस के घर में अब्दू बने कैप्टन, काम को लेकर स्टैंड से भिड़ी अर्चना। दिल्ली में सिर फिरे ने युवती पर चाकू से किया ताबड़तोड़ वार, वारदात का वीडियो आया सामने। हिमाचल सीएम की रैली के दौरान बड़ी घटना, आईपीएस अफसर की मौत। कानपुर में कड़ाके की ठंड ने तोड़ा 5 दशक का रिकॉर्ड, 3.6 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की सर्किट हाउस में चल रही आंशिक बैठक संपन्न हुई। ये बैठक निर्माण समिति के चेयरमैन नीपेंद्र मिश्र अध्यक्षता में चली। इस बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय व कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज और अन्य सदस्य के साथ एलएनटी के इंजीनियर भी मौजूद रहे। सर्किट हाउस में बैठक संपन्न होने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि बैठक में राम मंदिर निर्माण की प्रगति पर चर्चा हुई। भगवान श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठित विग्रह किस पत्थर का बने, उस पर भी चर्चा हुई। तो वहीं इस दौरान कांग्रेस के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का दोनों ने समर्थन किया। पाँच तारीख को मंदिर निर्माण समिति की बैठक है, वो कहाँ होगी ये कब तय करेंगे। किन किन विषयों पे चर्चा होगी, किन किन बातों इस बीच बैठक में? ट्रस्ट की बैठक एक रूटीन काम है, लेकिन इंजीनियरिंग में जितनी बातें होती हैं वो जो चल रहा है। वे इस समय यहाँ पर आहूत थे और भगवान रामलला का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए, किस ऊंचाई की वो प्रतिमा बननी चाहिए और कैसे कैसे उसके सारे रंग रूप फीचर्स कैसे होने चाहिए, इन बातों की चर्चा हम लोगों की चली है। ये चर्चा अभी प्रवाह में है, निश्चित कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन हम चाहते ये हैं कि वह सर्वमान्य हो, उत्तम से उत्तम हो। आजमगढ़ के समाज सेवी अभिषेक जायसवाल दीनू अपनी टीम के साथ निकले और असहाय गरीबों और जरूरतमंद में कंबल का वितरण किया। ठंड और कोहरे से ठुठरते लोगों को राहत पहुंचाया, जिससे लोगों के चेहरे खिल उठे और लोग उन्हें आशीर्वाद और दुआएं देते दिखे। इस दौरान समाज सेवी अभिषेक जायसवाल दीनू ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से हमारी समाज सेवा चल रही है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। हर साल ये कंबल वितरण का कार्यक्रम हमारा चलता रहा है और यह रुकेगा नहीं, अनवरत चलता रहेगा। दोस्तों और हमारे सहयोगियों की तरफ से शहर में जो है कि विभिन्न स्थानों पर जो है कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें अभी तक 765 कंबल बट चुके हैं, जिसमें उन लोगों को कंबल बांटा गया जो इसके पात्र हैं। हम लोगों का पूरा टीम पूरे लोगों के साथ जो है कि शहर के विभिन्न जगहों पर पहुंचा, जहां पर देख करके जो ठंडक से कपकपाती इस ठंडी में जो है कि ठिठुर रहे हैं, उनके पास ओढ़ने के लिए कोई भी सामान नहीं है, तो उन लोगों को हम लोगों ने कंबल जो है चिन्हित। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4000 मकान ढहाए जाने को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। छात्रों ने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार मासूम लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है। एएमयू छात्रों ने उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि मासूम बच्चों और महिलाओं पर रहम खाएं। सरकार अगर अदानी अंबानी के हजारों करोड़ के खर्च को माफ कर सकती है तो 78 बीघा जमीन सरकार क्यों नहीं छोड़ती। छात्रों ने उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि अपने फैसले को वापस लें। जुल्म क्या इसके बाद अभी उत्तराखंड में हल्द्वानी में यही चीज यही कर रहे हैं।
सवाल ये है कि जब 50 साल 60 साल 100 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं, इतना दिनों में उनके कागज़ सब ठीक होने के बाद भी इस तरह से क्यों एविक्शन किया जा रहा है? और अभी ठंडी का मौसम है, इस वजह से तमाम इन चीज़ को लेकर इसके खिलाफ आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने प्रोटेस्ट किया है। हमारी डिमांड यही है कि जो भी अगर कानूनी प्रक्रिया हो कानून के तौर पर चलेगा, लेकिन इस तरह से एक बुलडोजर अपना लेके और जाके लोगों को भी एविक्शन करना, हमें का हाल देखा है कड़ी ठंड में, और कड़ी ठंड में बावजूद उसके रोडों पर बैठी पूरी फैमिलियाँ वहाँ, वह माँ हमारी माँ बहनें और उनके घर वाले जिस तरह से दर्द का अपना एहसास करते हुए, और उनके ऊपर से छत छीनी जाने का ऐलान हो चुका है, जैसा कि हम सभी को पता है। हम लोगों का आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान की जो हुकूमत है जिस अंदाज से काम कर रही है उस अंदाज को बदलना होगा। कड़ाके की ठंड के निकलना दुश्वार हो रहा है, 5 दिन से मासूम बच्चे, बेवाएं, कुछ माएं, बुज़ुर्ग लोग उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड में 5 दिन से अपना इंसाफ मांगने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन नेशनल मीडिया भी इन मासूम। औरैया में यमुना नदी पर बने पुल पर रात में सफर करना जोखिम भरा है। लोक निर्माण विभाग ने 10 नवंबर को पुल जर्जर होने की रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट के आधार पर भारी वाहनों का पुल से संचालन जिला अधिकारी औरैया पीसी श्रीवास्तव के आदेश से रोक दिया गया है। विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण कार के नदी में गिरने से नेवी के इंजीनियर की जान चली गई। पुल की मरम्मत के चलते एक तरफ सड़क खोदी गई है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर संकेतक नहीं लगाए गए हैं। इस समय मौजूद है औरैया और जालौन को जोड़ने वाले पुल पर। आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से जो रेलिंग है, ये रेलिंग भी टूटी हुई है, और जो पुल के जो सरिये हैं वो भी निकल चुके हैं, और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? जो ये पुल है, ये पुल बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, कितनी परेशानियाँ होती हैं आपको? बड़ी गाड़ियाँ हैं बिल्कुल बंद कर दी गई हैं, छोटी गाड़ियाँ निकल पा रही हैं, वो भी अभी गड्ढे वगैरह हैं, रोड सही है नहीं। कितनी परेशानियाँ होती हैं, कैसे आप जाते हैं? परेशानियाँ ही हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी चंद। जो ये रास्ता जो खुदा पड़ा हुआ है, आप कितनी दिक्कतें हो रही हैं? जो कोला पड़ता है ना, उसमें तो बहुत दिक्कत है। बिल्कुल, आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से जो कोहरा पड़ रहा है, कोहरे को लेकर लोगों में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ से जो गाड़ी थी, गाड़ी भी यहाँ से गिर पड़ी थी और उसमें एक लोग की मौत हो गई थी। कोहरे को लेकर काफ़ी दिक्कत लोगों को झेलने पड़ रही। और यहाँ से प्राइम टीवी से निश्चित बात। बस्ती में बीते कुछ दिन पहले कुदराहा ब्लॉक के गौरा दुंदा में एक ही छत के नीचे 2 टॉयलेट बनाने का मामला थमा नहीं था कि एक और मामला उजागर हो गया है। जी हाँ, इस बार तो जिला पंचायत राज के अफसरों ने हद कर दी है। यहाँ एक बार फिर एक ही छत के नीचे 4 टॉयलेट लगा दिए गए हैं। जब यह खबर उजागर हुई तो आनन फानन में टॉयलेट को तोड़कर किसी तरह मामले को रफा दफा किया गया। पूरा मामला बहादुरपुर ब्लॉक के नौली गाँव का है। वही खंड विकास अधिकारी सुनील आर्या ने बताया, उन्होंने पूरी घटना से अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि इसकी जांच करवाई जाएगी, जो भी इसका जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संभल में बड़ी संख्या में भट्टे संचालित किए जा रहे हैं, जिन पर डीएम मनीष बंसल के निर्देश पर नायब तहसीलदार दीपक कुमार एवं पॉल्यूशन विभाग की टीम ने छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई अवैध रूप से संचालित भट्टों पर की गई है। नायब तहसीलदार दीपक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हम लोग भट्टे पर छापेमारी कर रहे हैं। जो भी भट्टे छापेमारी के दौरान अवैध रूप से संचालित पाए गए, उन पर हम बुलडोजर चलवा कर क्षतिग्रस्त करा रहे हैं।
डीएम साहब के आदेश पर दो भट्टों पर कार्रवाई की गई है। जेसीबी से भट्टों को क्षतिग्रस्त करा दिया है और जनपद में जितने भी अवैध रूप से भट्टे संचालित किए जा रहे हैं उन सभी भट्टों पर छापेमारी कर इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ इनके पास जो पॉल्यूशन का जो पेपर है वो भी एडिट करके जारी काम कर रहे हैं। किस भट्टे के नाम के एडिट किए हुए हैं? ये हाजी हनीफ का भट्टा है, कोई शान ब्रिकवर्क्स नाम है शायद इनका, जी हनीफ नाम से। अच्छा, इसके अलावा क्षेत्र में तो और भी काफी सारे भट्टे चल रहे हैं। जितनी हमारी कोशिश की जा रही है हम आगे करते जा रहे हैं, जितना टाइम मिलता है थोड़ा टाइम। पॉल्यूशन वाली टीम भी आती है, तो पॉल्यूशन वाली टीम को जब भी टाइम मिलता है तो हम लोग साथ में आते हैं। कुछ दिनों पूर्व अभी कार्रवाई की गई थी भट्टों पर ईंट नष्ट करने की। हाँ, तब इनको एक वार्निंग दी गई थी कि ये लोग भट्टे ना चलाएं क्योंकि अवैध काम कर रहे हैं। उसके बाद भी ये लोग, इन लोगों ने झोंक दिया, इनमें आग जलाना शुरू कर दिया, तो कार्रवाई दोबारा शुरू हो गई। क्या इसी भट्टे तक सीमित रहेगी और भी कोई कार्रवाई आगे तक करते रहेंगे? आगे भी चलती रहेगी। संभल एनएच पर खतरनाक हादसे की विचलित कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां जलभराव के चलते गाड़ियां फिसलती देखी गई। पूरा मामला एनएच 509 पर बनियाठेर थाना इलाके में गुन्नौर गांव देवरखेड़ा का है। यहां सड़क पर पानी भरने की वजह से गाड़ियां फिसलती रही जिनमें कई लोगों को चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार करीब 25 दोपहिया वाहन फिसले हैं। वहीं जहां गांव के लोग जलभराव रोकने को इधर नाला बनवाने की मांग कर रहे हैं, वहीं एनएचएआई और ग्राम सभा ने मामले की सुध तक नहीं ली। इसमें पानी भरने के कारण सड़क पर पानी आ गया। सड़क पर पानी आने से कीचड़ हो, कीचड़ होने से अधिक कम से कम 28-30 लोग गिर चुके हैं पक्के यहाँ पे। और इस नाले का यहाँ पे निर्पण हो जाए तो सुविधाएँ हो जाएगी। मैं देवरखेड़े के रहने वाला हूँ, सेवाराम नाम है मेरा। आजमगढ़ जनपद में अवैध शराब की बिक्री व उससे होने वाली मौतों को रोकने के लिए आबकारी विभाग ने कमर कस ली है, जिसको लेकर जिला आबकारी अधिकारी व सहायक आबकारी आयुक्त आजमगढ़ अनूप शर्मा ने बताया कि पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन व आबकारी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कुल 8 टीमों का गठन किया गया है। प्रत्येक तहसीलदार के लिए एक टीम गठित की गई है जो दुकानों, भट्टों व संदिग्ध स्थलों पर चेकिंग कर अवैध शराब के निर्माण व बिक्री पर रोकथाम लगाएगी। शासन और जिला अधिकारी महोदय के स्तर से टीमों का गठन कराया गया है। जनपद आजमगढ़ में 8 टीमें गठित हुई हैं प्रवर्तन कार्य के लिए, जो कि प्रत्येक तहसील के लिए एक टीम है। उन टीमों में आबकारी विभाग, पुलिस विभाग और प्रशासन विभाग तीनों के अधिकारी सम्मिलित हैं। वो टीमें जो हैं निरंतर दुकानों की चेकिंग, रोड चेकिंग, ढाबों की चेकिंग और जो चिन्हित अवैध अड्डे हैं उन पर छापेमारी कर रही है। विशेष अभियान अभी 5 तारीख तक। औरैया जनपद के फफूंद रेलवे स्टेशन पर उस समय एक हादसा हो गया। यहां एक वेंडर विश्राम सिंह का पैर फिसलने के चलते वो ट्रेन के नीचे आ गए। हादसे में उसका पैर कट गया। मौके पर पहुंची आरपीएफ और जीआरपी ने एम्बुलेंस की मदद से वेंडर को सीएचसी दिबियापुर भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने घायल वेंडर को मृत घोषित कर दिया। उनसे गलती से उनका पैर फिसल गया, इसके कारण उनका पैर कट गया और उनके बाद में डेथ हो गई। तो गई तो किस ट्रेन से गिरे हैं? ये संगम 10:45 का टाइम था, रात में गिरे हैं। रात में आपको सूचना कब मिली? सूचना हमें 10 मिनट बाद ही हमें पता चला। अच्छा, फिर हम अस्पताल लेके आए उन्हें। अभी आप कहाँ पे हैं? अभी हम सरकारी अस्पताल दिबियापुर में हैं। दिबियापुर में अभी कोई था नहीं, सब हमारे लड़के थे गाँव वाले। अच्छा, उनकी मौत हो गई। औरैया पुलिस और एसओजी को एक चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली है। ये चोर गिरोह तिले की पुलिस की नाक में दम किए हुए था और पिछले कई महीनों से चकमा देकर शहर में कई चोरियों को अंजाम देता आ रहा था। पुलिस की गिरफ्त में पकड़े गए गिरोह के 5 सदस्यों के पास से चोरी के रुपयों के साथ साथ 2 कार सहित कई चाबियां मिली हैं। तो वहीं घटना का खुलासा करते हुए डिप्टी एसपी भरत पासवान ने बताया कि हमारी पुलिस की टीम ने गिरफ्तार सभी चोरों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। घटनाएं काफी बढ़ गई थी और जल्दी ही आपने देखा होगा फफूंद में एक कार चली गई थी, जिसके संदर्भ में 23/12/2022 को वादी धर्मेंद्र सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी बाबा कपूरवा नई बस्ती थाना फफूंद के रहने वाले हैं। इन्होंने एक तहरीर लिखवाई कि इनकी एक कार है वो कोई चोरी कर ले गया।
इसी संदर्भ में जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उन्होंने एक टीम गठित की। टीम में एसओजी टीम थी, थाना फपूद की टीम थी, हमारी सर्विलांस की टीम थी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 पर स्थित होटल के पास एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुछ बिगड़े शहजादे फर्नीचर महंगी गाड़ियों में स्टंट करते नजर आ रहे हैं। इस मामले का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने फिर से वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जिला आबकारी अधिकारी अनुराग मिश्रा के निर्देश पर आबकारी विभाग की टीम ने हसनपुर कोतवाली के गांव अलीपुर खादर में छापेमारी कर करीब 320 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की और 2500 लीटर लहन नष्ट कर दिया। 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि अवैध रूप से कच्ची शराब के निर्माण की शिकायत पर आबकारी टीम ने छापेमारी की और बड़ी मात्रा में अवैध शराब को नष्ट किया। इस दौरान आबकारी विभाग के निरीक्षक गौतम कुमार सिंह समेत अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अवसर पर विभाग द्वारा विशेष परिवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। उसके क्रम में कल मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अलीपुर खादर गांव में कई लोग अवैध शराब के निर्माण में लगे हुए हैं। उस सूचना पर मेरे द्वारा इस गांव में अपनी टीम भेजकर छापा डाला गया। छापे के दौरान 320 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है तथा करीब 2500। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।